मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन सूबा ऑन्टेरियो के हाउसिंग मिनिस्टर स्टीव क्लार्क ओहदे से मुस्ताफी प्रीमियर डग फोर्ड ने काबीना में रद्दबदल का ऐलान कर दिया। क्लार्क को सियासी मुखालफीन फर्स्ट नेशंस के रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का सामना था। ऑन्टेरियो के प्रीमियर का बैंक ऑफ कनाडा से सूद की बढ़ती हुई शरहों को रोकने का मुतालबा। डग फोर्ड ने बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर को खत लिख दिया। डग फोर्ड का कहना है कि शहरी शरह सूद में मजीद इजाफे के मुतहम्मल नहीं हो सकते। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की G20 इजलास में शिरकत। यूक्रेन जंग और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर असेंबली मुनकसिम। कनाडा, जनूबी कोरिया, G20 और जापान के साथ दो तरफा मुलाकातों का ख्वाहां। तुर्क सदर की रूसी हम मनसब प्योतन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगु। तारीखी बुहिरा अस्वद के अनाज मुहिदे की बहाली पर गौर। शुमाली कोरिया के सदर रवामा रूस का दौरा करेंगे। सदर जो बाइडन के दौरे भारत से पहले खातून अव्वल कोरोना में मुब्तला। जिल बाइडन ने कोरोना वैक्सीन भी लगवाई थी। अमरीकी सदर का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन ना सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canada ke suba Ontario ke Premier Doug Ford ne municipal umur aur housing ke wazir Steve Clark ke istifay ke baad kabina mein raddo badal ka aelan kiya hai. Mazid tafsilat is report mein. कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने दिन के अवायल में म्यूनिसिपल उमूर और हाउसिंग के वजीर स्टीव क्लार्क के इस्तीफे के बाद काबीना में रद्दबदल का ऐलान किया है। वजीर आजम के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक खबर के मुताबिक क्लार्क, जिन्होंने अपनी वजारत की जानिब से ग्रीन बेल्ट की जमीनों के तबादले से निमटने के लिए धक्के खाते हुए इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पॉल कैलेंड्रा को तैनात किया जाएगा। कैलेंड्रा इससे कबल तवील मुद्दती निगहदाश्त की वजीर थी। ऑन्टेरियो के म्यूनिसिपल अफेयर्स और हाउसिंग मिनिस्टर स्टीव क्लार्क ने अपनी वजारत की जानिब से ग्रीन बेल्ट की जमीनों के तबादले के हवाले से मुतअद्दिद तहकीकात के बाद सियासी मुखालफीन, फर्स्ट नेशंस के रहनुमाओं और रिहायशियों की तरफ से कई हफ्तों के दबाव के बाद काबीना से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा ऑन्टेरियो के इंटीग्रेटिव कमिश्नर की तरफ से उनके तर्ज अमल की तहकीकात के बाद सामने आया और क्लार्क को सरजनिश करने की सिफारिश की गई। ये कहते हुए कि वो इस अमल की सही निगरानी करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से ग्रीन बेल्ट की महफूज ज़मीनों को हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए मुंतखब किया गया। हफ्ते पहले सूबे के ऑडिटर जनरल ने यह मालूम करने का तरीका कार पाया कि हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए ज़मीन के कौन से पार्सल खुले हैं। अच्छी तरह से जुड़े हुए डेवलपर्स के एक छोटे से ग्रुप से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए जो अरबों डॉलर कमाने के लिए खड़े हैं। कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने बैंक ऑफ कनाडा से सूद की बढ़ती हुई शरहों को रोकने का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने बैंक ऑफ कनाडा से सूद की बढ़ती हुई शरहों को रोकने का मुतालबा किया। डग फोर्ड बैंक ऑफ कनाडा से सूद की शरहों में इजाफे को रोकने के लिए कह रहे हैं। ये कहते हुए कि सूबे के खानदान और कारोबार हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और एक और इजाफे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बैंक ने अफराते ज़र को रोकने की कोशिश में मार्च 2022 से अब तक 10 बार शरहें बढ़ाई हैं। इसने जनवरी में इन इजाफे पर चंद महीनों के लिए तौकफ किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया मईशत काफ़ी सुस्त हो चुकी है। फिर जून में मुहिम दोबारा शुरू कर दी गई। बैंक बुध को अपना अगला सूद की शरह का फैसला करने वाला है।
फोर्ड ने बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकलेम को लिखे एक खत में लिखा कि आपके नरखों में इजाफे ने नौजवानों, नए आने वालों और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए घर बनाने के लिए कोई जगह हासिल करना नामुमकिन बना दिया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बात पर गौर करें कि बुलंद शरह सूद का रोज़मर्रा के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है जो महज अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्ड इस तरह की दरख्वास्त करने वाले पहले सूबाई रहनुमा नहीं हैं। उनका मुतालबा ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी के मैकेलम को पहली बार इसी तरह का खत लिखने के चंद दिन बाद आया है। बैंक ने फौरी तौर पर फोर्ड के खत पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। अपनी वेबसाइट पर बैंक ऑफ कनाडा का कहना है कि वो कनाडा की इक्तिसादी और माली बहबूद को फरोग देने के लिए जिम्मेदार है जिसमें अफराते ज़र को कम और मुस्तहकम रखना शामिल है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो इस हफ्ते दो बैन अलाक्वामी सरबराह इजलासों की तरफ जा रहे हैं ताकि एशिया के कुछ हिस्सों के साथ तिजारत में तौसी और करीबी ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सके। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो इस हफ्ते दो बैन अलाक्वामी सरबराह इजलासों की तरफ जा रहे हैं ताकि एशिया के कुछ हिस्सों के साथ तिजारत में तौसी और करीबी ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे अहदाफ जिनके यूक्रेन पर रूस की जंग के जेर साया होने का इम्कान है। यूक्रेन में जंग और मौसमियाती तब्दीली जैसे दीगर सुलगते हुए मसाइल पर G20 असेंबली अब भी तकसीम है। माहरीन इस साल इसी तरह के नतायज की बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखते। इस साल G20 में मुश्तरक बयान हासिल करना पिछली बार के मुकाबले में और भी मुश्किल होगा। एक सीनियर सरकारी एहलकार ने कहा जिसे इस मामले पर अवामी तौर पर बात करने का इख्तियार नहीं था, ग्रुप इत्तेफाक राय के इम्कानात कम होने के साथ ममालिक के दरमियान वन ऑन वन मुलाकातें ज्यादा अहम हो जाती हैं। कनाडा जनूबी कोरिया और जापान के साथ दो तरफा मुलाकातों का ख्वाहां है। दो ममालिक जो क्लीन टेक के काबिल भरोसा सप्लायर के तौर पर कनाडा का रुख कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी G20 के मौके पर बातचीत के लिए कनाडा की तरजीही ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो मुमकिन तौर पर G20 में हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ लम्हे गुजारेंगे, सरकारी एहलकार ने कहा। या तो बाज़ाब्ता दो तरफा मुलाकात के जरिए या नाम निहाद एक तरफ खींचना। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता एक साल के दौरान तनज़ुली का शिकार हुए हैं जिसकी एक वजह ट्रूडो की जानिब से भारत में एहतजाज करने वाले किसानों की आवाज़ की हिमायत और कैनेडा में सिख अलैदगी पसंद तहरीक से हमदर्दी रखने वाले लोगों के बारे में भारत के बयान करदा खदशात हैं। ट्रूडो और बैन अलाक्वामी तिजारत की वजीर मैरी एनजी 5-6 सितंबर तक इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में एसोसिएशन ऑफ जनूब मशरकी एशियाई ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। नए गैर मुल्की सरमायाकारी का पीछा करने के लिए 7-8 सितंबर तक सिंगापुर में और 9-10 सितंबर तक G20 सरबराही इजलास के लिए नई दिल्ली भारत में होंगे। ज्यादातर बैन अलाक्वामी सरबराही इजलास एक मुश्तरक एलामिये के साथ ख़त्म होते हैं। पिछले साल का G20 जिसकी मेज़बानी इंडोनेशिया ने की थी मुतअद्दिद आलमी मसाइल पर इत्तेफाक राय हासिल करने में कामयाब रहा और यहाँ तक के यूक्रेन पर गुफ्तगू भी शामिल थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्किया के साथ खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्किया के साथ खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखने के अज़म का इजहार किया। रूस के साहिली शहर सूची में तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई। तैयब अर्दवान रूस के साहिली शहर सूची का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दोनों सरबराहों की मुलाकात के दौरान मौजूदा इलाकाई और आलमी मसाइल के साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। इसके अलावा तारीखी बहीरे अस्वद के अनाज मुहैदे की बहाली को इजलास में जेर ख़ौर लाया गया। मुलाकात के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि बहीरे अस्वद के अनाज के इकदाम को मअतल शुदा मुहैदे में रुकावट बनने वाली खामियों को दूर करते हुए दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्किया के साथ खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखने के अज़म का इजहार किया। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रूस का दौरा करेंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि दोनों रहनुमाओं में मुलाकात के मकाम के बारे में मालूमात सामने ना आ सकें। इस हवाले से दोनों ममालिक ने अब तक कोई बयान भी जारी नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन रवां महीने बख्तरबंद ट्रेन में रूस का दौरा करेंगे। दोनों रहनुमा रूस को जदीद हथियारों की सप्लाई से मुतालिक बातचीत करेंगे। शुमाली कोरिया के सदर ऐसे वक्त में रूस का दौरा करने जा रहे हैं जब अमरीका ने खदशा जाहिर किया है कि रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान हथियारों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं।
इससे कबल रूस भी कह चुका है कि वो शुमाली कोरिया के साथ करीबी फौजी ताल्लुकात का ख्वाहां है। सदर जो बाइडन G20 ममालिक के सरबराह इजलास में जाने ही वाले थे, लेकिन इससे कबल उनकी अहलिया 72 साल जिल बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सदर जो बाइडन G20 ममालिक के सरबराह इजलास में जाने ही वाले थे, लेकिन उससे कबल उनकी अहलिया 72 साल जिल बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गई। अहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 80 साल जो बाइडन का भी कोरोना टेस्ट किया गया जो मनफी आया। उन्हें जुमेरात को G20 इजलास में शिरकत के लिए भारत भी जाना था, ताहम अब इसका फैसला डॉक्टर की टीम करेगी। व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि 80 साल सदर जो बाइडन का पीर की शाम कोविड टेस्ट कराया गया जो कि मनफी आया। सदर की मुकम्मल निगरानी जारी रहेगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 72 साल जिल बाइडन को बीमारी से मुतालिक मामूली अलामात हैं और इस दौरान वो घर पर ही रहेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक जिल बाइडन का गुज़िश्ता साल भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हालिया हफ्तों के दौरान अमरीका में कोरोना और उसके बाइस अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।